हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके 3D होम डिज़ाइन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेयरकेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। हम जब घर बनाते हैं तब हमें घर में कौन सी रूम कहाँ होनी चाहिए यह तो समझ में आ ही जाता है, पर हमारी जो स्टेयरकेस होती है उसकी पोजीशन कैसे रखें यह हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि घर में स्टेयरकेस की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए और स्टेयरकेस की साइज़ क्या होती है। पहले हम देखते हैं घर में इंटरनल स्टेयरकेस की पोजीशन कैसे रखें। जब हम घर के अंदर से स्टेयरकेस बनाते हैं तो ये जो इंटरनल स्टेयरकेस होती है यह हमारे मेन डोर के नज़दीक हमें बनानी चाहिए, क्योंकि सीधे यह विजिटर को या गेस्ट को दिखाई दे, इसलिए यह मेन डोर के पास बनाना उपयुक्त तो रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टेयरकेस बनानी हो तो आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में आपके घर की स्टेयरकेस बनानी चाहिए। ये जो स्टेयरकेस हम घर में बनाते हैं तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़नी चाहिए, मतलब या तो उत्तर से दक्षिण की ओर, नहीं तो पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि आप अपने घर की ऊपरी मंजिल को किराए के उद्देश्य से बनाना चाहते हैं तो घर के अंदर से स्टेयरकेस बनाना यह ठीक नहीं रहेगा। इस कंडीशन के लिए आपको घर के बाहर से ही स्टेयरकेस बनानी चाहिए, क्योंकि यह घर की प्राइवेसी के अनुसार अच्छा रहेगा। हम देखते हैं कि कुछ घरों में स्टेयरकेस बाहर से भी बनाई जाती है, तो अब हम एक्सटर्नल स्टेयरकेस की पोजीशन वास्तुशास्त्र के अनुसार कहाँ होनी चाहिए यह जानेंगे। ये जो बाहर की स्टेयरकेस होती है ये हम हमारे मेन डोर के पोजीशन के हिसाब से बनाते हैं। यदि आपका घर पूर्व दिशा की ओर है तो एक्सटर्नल स्टेयरकेस आपके घर के दक्षिण पूर्व भाग में होनी चाहिए। यदि आपके घर का मेन डोर पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर है तो एक्सटर्नल स्टेयरकेस घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। यदि आपका घर उत्तर दिशा की तरफ है तो एक्सटर्नल स्टेयरकेस घर के उत्तर पश्चिम कोने में होनी चाहिए। ये जो एक्सटर्नल स्टेयरकेस होती है इसकी पोजीशन उन घरों के लिए उपयुक्त है जो किराए के उद्देश्य से बनाए गए हैं, क्योंकि घर की प्राइवेसी के अनुसार यह एक्सटर्नल स्टेयरकेस ऊपरी मंजिल के लिए आसान होती है। इसके बाद हम स्टेयरकेस के साइज़ के बारे में जानेंगे। ये जो स्टेयरकेस की साइज़ होती है ये देखना हमारी सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये जो हमारी सीढ़ी होती है इसमें ट्रेड और राइजर होता है। एवरेजली ये जो ट्रेड होता है ये हम एडल्ट लोगों के पैर के आकार से बनाते हैं, इसलिए हम ट्रेड की साइज़ रेगुलर 10 इंच लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारा पूरा पैर ट्रेड पर फिट हो, इसलिए हम इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सीढ़ी का जो राइजर होता है यह हमें रेगुलर 7 इंच हाइट का लेना चाहिए, क्योंकि यह चढ़ने के हिसाब से कंफर्टेबल रहता है। बाद में स्टेयरकेस के जो विड्थ होती है वो हम मिनिमम 3 फीट लेते हैं, जो कि यह विड्थ सर्कुलेशन जोन के समान होती है। अब चलिए हम स्टेयरकेस के स्पेस के बारे में जानेंगे। अगर हम 7 इंच राइजर और 10 इंच ट्रेड के 9 स्टेप लेते हैं तो हम 5 फीट 3 इंच पर चढ़ जाएंगे और 7 फीट 6 इंच आगे जाएंगे। इसी प्रकार हम राइजर और ट्रेड का साइज़ कम ज़्यादा करके स्टेयरकेस को कम या ज़्यादा स्पेस में एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 7 इंच राइजर और 10 इंच ट्रेड लेके हमें 10 फीट 6 इंच हाइट पर चढ़ना है तो टोटल 18 स्टेप लगेंगे। इसी प्रकार से हम स्टेयरकेस को हमारी जगह के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम जगह में स्टेयरकेस कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, इसमें आपको डिटेल समझ में आएगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।